मदर डे है, यानी कि बहुत ही खास दिन। हर बच्चा अपनी माँ के लिए वो सब कुछ चाहता है जो उसे माँ दे पाती है। आज हम आपको एक ऐसे ही माँ से मिलवा रहे हैं जिनकी अपनी खुद की तो कोई बेटियाँ नहीं है, मगर उन्होंने अपने आश्रम में लगभग 18 बेटियों को पाल रही है। जुली जी, ये सफर शुरू कैसे हुआ? ये सफर तो 2010 में, सबसे पहले मैं आश्रमों में जाया करती थी। वहाँ एक बच्ची मुझे हमेशा कहती थी कि मुझे अपने साथ ले जाओ। मैं बिना सोचे समझे कि क्या कानून है, क्या लिखा पढ़ी होती है, उसको अपने घर ले आई और तब से ही संस्कार चाहिए। आज मदर डे है, आपने अपनी बेटियों को शादी कर ली है, किसा देखती हैं उसको आप? मेरे लिए तो ये सब लोग कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियाँ सौभाग्य से, तो मेरे पास तो इतनी सारी हैं, तो सोचिए आप मेरा सौभाग्य कितना बड़ा होता। मैं तो अब इन बच्चियों के बगैर अपने जीवन को मतलब कल्पना भी नहीं कर सकती कि मैं कैसे। आज मदर डे है और आपने अपनी कोख से खुद बेटियों को जन्म दिया, मगर आपको इतनी बेटियां हैं, इसे किस तरह देखती हैं? शायद अच्छा हुआ नहीं दिया, तो मतलब मैंने मेरी कोख से बच्ची को जन्म दिया होता तो शायद मैं उसमें भेदभाव करती कि मेरी बच्ची और ये बच्ची। मुझे खुशी आ गई इस बात की कि मेरे पास बेटियाँ खुद की नहीं है, इसलिए मैं इन बच्चियों को प्यार दिया। बेटा क्या नाम है आपका? आप अपनी माँ को देखा है? आपने अपनी माँ को? आपकी माँ कौन है? जब से हमने उस समय क्या क्या करती हैं? सब कुछ। क्या आपको अपनी माँ की कभी कभी महसूस हो पाती है? मदर डे के लिए ये बहुत ही खास ही अहम पल है, क्योंकि ये वो बेटियां हैं जिन्हें कभी अपनी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, मगर जूली ने अपना प्यार देकर इन्हें माँ के कमी का पूरा एहसास करा दिया। वोले से पब्लिक बैक के लिए राजकुमार कुशवाहा।